थाना कटघर के सरस्वती विहार गोविंदनगर क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक घर में ताले लगे देखकर चोरी को अंजाम दे डाला। किसी ने चोरी की सूचना बराबर में रह रहे मकान स्वामी को दी। सूचना पाकर मकान स्वामी मौके पर पहुंचा और बताया कि उसका नाम हर्ष कुमार पुत्र भूप सिंह चौहान है। मकान स्वामी के मुताबिक उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई अपने बराबर वाले मकान में रहते हैं। रात को हम अपने घर में ताला लगाकर बराबर वाले मकान में सोने गए थे। जब सुबह पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा मकान में चोरी होने की जानकारी हुई तो देखा मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था और जब अंदर जाके देखा तो सभी अलमारियों के ताले टूटे पड़े थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियों में रखी सोने के सामान की ज्वेलरी समेत अन्य सामान भी चोरी हो चुका था। चोरी हुई सामान की कीमत लगभग 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। मकान स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की और जल्दी चोरी की खुलासा करने की बात कही है। जी कौन से मोहल्ला है ये? गोविंदनगर सरस्वती विहार। क्या हुआ था सर? मैं सुबह घर में आया पानी लेने के लिए तो देखा सारा घर खुला हुआ था। मैं जब घर खुला देखा तो मैं अंदर आया, अंदर देखा छोटाले की सेब टूटी पड़ी थी, तो जिसमें हमारी वाइफ की चार छोड़ी थी बोल रही थी वो, और पापा की सेब में 4-5 हज़ार कैश था वो, लेकर बाकी सामान का भी कुछ नहीं पता क्या क्या ले गए हैं। सारा सामान बिखरा हुआ था? हाँ सारा सामान बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसा सब सामान बिखरा पड़ा है। तो लगभग कितने की चोरी हुई थी? तो लगभग चूड़ी कितने में, कितनी चूड़ी? 4 मिली 3 तोले की। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस कार्रवाई करके गई है। आप लोग घर में नहीं थे क्या? नहीं हम बराबर वाले मकान में सोते हैं, ये मकान छोटा रहता था, बंद था, इसमें ताला लगा हुआ था। वो कहाँ रहते हैं? नोएडा नोएडा रहते हैं।